नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। कोरोना से देश बेहाल है और ये कोरोना अब लोगों को रुला रहा है और डरा भी रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का तांडव जारी है। हर बदलते दिन के साथ कोरोना के मामले, मौतों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में दिल्ली का संकट गहराता दिख रहा है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक है। इसके साथ इस महासंकट के बीच ही आज से राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। तो ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि वीकेंड कर्फ्यू में किस चीज में छूट है, किस में नहीं। इसके साथ ही देश के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार डॉक्टरों के साथ बैठकें कर रहे हैं। एम्स में डॉक्टरों के साथ हर्षवर्धन ने की बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार सुबह एम्स का दौरा किया। यहां उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक की और हालातों का जायजा लिया। एम्स के डॉक्टर्स का कहना है कि इस बार की लहर में बच्चे और युवा भी चपेट में आए हैं। डॉक्टर्स की ओर से स्वास्थ्य मंत्री के सामने स्टाफ और ऑक्सीजन का मसला उठाया गया। कोरोना संकट में गृह मंत्रालय के आदेश क्या? कोरोना के बढ़ते संकट के बीच गृह मंत्रालय ने नए आदेश जारी किए हैं। अब अंडर सेक्रेटरी और उससे नीचे स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति दी गई है, जबकि दफ्तर में 50% कर्मचारी ही आ सकेंगे। गृह मंत्रालय जाने वाले अधिकारियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच अलग अलग वक्त पर आना होगा और ये आदेश 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। जो अधिकारी कंटेनमेंट जोन में है, उन्हें दफ्तर आने से छूट है। दिल्ली में कोरोना का हाल। 24 घंटे में आए कुल 16,699 केस। 24 घंटे में हुई कुल मौतें 112। अब तक कुल कोरोना केस 7,84,137। एक्टिव केसेस की संख्या 54,309। अब तक हुई कुल मौतें 11,652। दिल्ली में आज से वीकेंड कर्फ्यू। राजधानी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अहम फैसले भी लिए गए हैं। पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू था, लेकिन अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जिसमें घरों से बाहर निकलने की मनाही होगी। सिर्फ जरूरी सेवाएं चालू रहेंगी। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा और अन्य चीजें पूरी तरह बंद रहेंगी। थिएटर सिर्फ 30% की क्षमता के साथ चलेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना बैन है। सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। इसके अलावा अंतर राज्य परिवहन सेवा, मेट्रो, DTC की बसें आदि चलती रहेंगी। अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवानी है, एयरपोर्ट बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाना है तो उन्हें छूट मिलेगी। किसी का शादी का कार्यक्रम है तो उन्हें ई पास बनवाना होगा, ई पास लेने होंगे तब इजाजत मिलेगी। अस्पताल से लेकर शमशान तक हाल बेहाल है। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में बीते कुछ दिनों से बेड की कमी की समस्या आ रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर भी परेशानियां सुनने को मिल रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार का दावा है कि बेड्स की संख्या को बढ़ाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है, कुछ और ही नजर आती है। दिल्ली में मौतों का आंकड़ा बढ़ने से शमशान के बाहर भी लंबी कतारें हैं। शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, कब्रिस्तान में जमीन नहीं मिल पा रही है। हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोचिए, समझिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस वीडियो के साथ, इस खास खबर के साथ आप सभी लोगों से अपील करता है कि वैसे तो अगर दिल्ली में आप रहते हैं, वीकेंड कर्फ्यू में आप बाहर निकल रहे हैं तो मना ही है, लेकिन अगर आप जरूरी सेवा के लिए जा रहे हैं तो हाथों में ग्लव्स पहने, मुंह पर मास्क पहने और अपना ई पास या ID कार्ड जरूर रखें। इसके अलावा अगर दूसरे राज्यों में आप हैं तो कृपा करके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू का जरूर पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।